सुप्रभातम बच्चों, आज हम अपने द्वितीय पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है पाठ दो, महाज्ञानी अष्टावक्र। महाज्ञानी, महान ज्ञानी, अष्टावक्र। तो इस पूरे पाठ में अष्टावक्र के बारे में कहानी है। अष्टावक्र एक महाज्ञानी पुरुष थे। अष्ट मीन्स होता है आठ, वक्र मीन्स टेढ़ा। अष्टावक्र का शरीर आठ जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। मिथिलायाः नृपः जनकः आसीत्। मिथिला के राजा जनक थे। सः घोषणां कृतवान्, सः वह घोषणां कृतवान् घोषणा किए, वे घोषणा किए यत् कि यः कोऽपि माम उपदिशति तस्य अहम् सम्मानम करिष्यामि। यह कोपि, जो कोई भी माम उपदिशति, मुझे उपदेश देगा, तस्य उसका अहम सम्मानम करिष्यामि, मैं सम्मान करूँगा। तो मिथिला के राजा जनक थे, उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी मुझे उपदेश देगा, मैं उसका सम्मान करूँगा। जनकस्य घोषणां श्रुत्वा संपूर्ण भारतात् विद्वांसः उपदेशं दातुम् आगतवन्तः। जनकस्य घोषणां श्रुत्वा, जनक की घोषा आदेश सुनकर, जनक की घोषा को सुनकर संपूर्ण भारतात् पूरे भारत से विद्वांसः विद्वान उपदेशं दातुम् आगतवन्तः, उपदेश देने के लिए आए। तेषु केचन धन प्राप्त्यर्थमपि आगच्छन्ति इति ज्ञात्वा जनकः पुनः घोषितवान् यत् समुचित ज्ञानस्य उपदेशं कर्तुं यः विद्वान् असमर्थो भविष्यति सः दण्डनीयोऽपि भविष्यति। तेषु केचन धन प्राप्त्यर्थमपि, तेषु उनमें केचन कुछ, धन प्राप्त्यर्थम अपि, धन प्राप्त करने के लिए भी, आगच्छन्ति आए। इति ज्ञात्वा, यह जानकर जनकः पुनः घोषितवान्, जनक पुनः दोबारा या फिर से घोषितवान्, घोषित किए, आदेश दिए, घोषणा किए, यत् कि समुचित ज्ञानस्य उपदेशम्, समुचित ठीक तरह से ज्ञानस्य ज्ञान का उपदेशम कर्तुम उपदेश करने में देने में यह विद्वान असमर्थो भविष्यति, जो विद्वान असक्षम होगा, असमर्थ होगा, सह दंडनीयोपि भविष्यति, सह वह दंडनीयोपि, दंड देने योग्य भविष्यति होगा, जो उचित ज्ञान देने में, उचित ज्ञान के उपदेश देने में जो विद्वान असमर्थ होगा वह दंडनीय भी होगा। अनया घोषणया बहवः कारागृहं प्रेषिताः। इस घोषणा के द्वारा बहवः अनेक कारागृहं प्रेषिताः, कारागृह जेल में प्रेषिताः, भेज दिए गए। तेषु तत्त्वज्ञस्य अष्टावक्रस्य पिता अपि आसीत्। उनमें तत्वज्ञ अष्टावक्र के पिता भी थे। तेषु उनमें तत्वज्ञ, तत्वों के जानकार अष्टावक्र से, अष्टावक्र के पिता अपि आसीत्, पिता भी थे। पितरं मोचयितुम् अष्टावक्रः जनकस्य सभां गतवान्। पितरं मोचयितुम्, पिता को छुड़ाने के लिए अष्टावक्रः, अष्टावक्र जनकस्य सभां गतवान्, जनक की सभा में गए। अष्टावक्रस्य शरीरस्य अष्टौ अंगानि वक्राणि आसन् परम सः महाज्ञानी आसीत्। अष्टावक्रस्य शरीरस्य अष्टौ अंगानि, अष्टावक्र के शरीर के आठ अंग वक्राणि आसन् टेढ़े थे। परम सह, लेकिन वह महाज्ञानी आसीत्, महान ज्ञानी था। जनकस्य सभासदः, जनकस्य सभासदः
अष्टावक्रम दृष्ट्वा हसितवन्तः। जनक के सभासद सभा में उपस्थित लोग अष्टावक्रम दृष्ट्वा अष्टावक्र को देखकर हसितवन्तः हंसने लगे। स्वयं जनकोपि हसितवान्, स्वयं जनक भी हसे। अष्टावक्रः एतेन अपमानेन दुखं न अनुभूतवान्, अष्टावक्र इस अपमान के द्वारा दुखम न अनुभूतवान्, दुखी नहीं हुआ, दुख का अनुभव नहीं किया, मतलब दुखी नहीं हुआ। अपितु सोपि हसवान्, अपितु सह सोपि सह अपि हसितवान्, बल्कि वह भी हंसने लगा। तम हसंतम दृष्ट्वा राजा जनक उक्तवान्, उसको हंसते हुए देखकर राजा जनक बोले, यत् कि भवतः हासस्य किं कारणम्, आपके हंसने का क्या कारण है। तदा अष्टावक्रः औदत्, तब अष्टावक्र बोला, येन निरपेण ज्ञानस्य उपदेशकाय सम्मानस्य घोषणा कृता अस्ति, तस्य सभायां नश्वर शरीरस्य महत्त्वम् अवगम्य हसन्ति जनाः। तब अष्टावक्र बोला, एन निरपेण, जिस राजा के द्वारा ज्ञानस्य उपदेशकाय, ज्ञान के उपदेश के लिए सम्मानस्य घोषणा कृता, सम्मान की घोषणा की गई अस्ति है, तस्य सभायां उसकी सभा में नश्वर शरीर से महत्त्वम अवगम में, नश्वर शरीर के महत्व को अवगम में जानते हुए हसंती जनाह, जना हसंती, लोग हंस रहे हैं, उसकी सभा में नश्वर शरीर के महत्व को जानकर लोग हंस रहे हैं। अत्र ज्ञानस्य महिमानं कः अवगमिष्यति, अत्र यहाँ ज्ञानस्य ज्ञान की महिमानं महिमा को कः अवगमिष्यति, कौन समझेगा यहाँ ज्ञान की महिमा को, कौन समझेगा। अष्टावक्रस्य वचनं श्रुत्वा सभासदः लज्जिताः अभवन्, अष्टावक्र की बात को वचन को श्रुत्वा सुनकर सभासदः सभा में उपस्थित लोग लज्जिताः अभवन्, लज्जित हुए। राजा जनकः क्षमा याचनां कृतवान्, राजा जनक ने क्षमा याचनां कृतवान्, क्षमा मांगी। स उपदेशं दातुं प्रार्थितवान्, वे उपदेश देने के लिए प्रार्थना किए। अष्टावक्रः उक्तवान्, अष्टावक्र बोला, राजन, हे राजा, विनय एव ज्ञानस्य भूषणम् अस्ति, विनय ही ज्ञान का भूषण है, आभूषण है। यदि भवान सद उपदेशम श्रोतुम इच्छति, यदि आप सद उपदेशम श्रोतुम इच्छति, अच्छे या सत्य उपदेश सुनना चाहते हैं, तरही मम गुरु दक्षिणा, तो मेरी गुरु दक्षिणा क्या है। महात्मन, भवान संपूर्णम कोशम गृहीत्वा मह्यम उपदेशम ददातु, महात्मन, हे महात्मा, भवान आप संपूर्णम कोशम गृहीत्वा, संपूर्ण कोश को लेकर, संपूर्ण खजाने को लेकर, पूरे खजाने को लेकर मह्यम उपदेशम ददातु, मुझे उपदेश दीजिए। इति जनकः उक्तवान्, ऐसा जनक ने उत्तर दिया, बोले। तदा अष्टावक्रः अवदत्, तब अष्टावक्र बोले, धन्योस्ति राजन्, धन्यास्ति राजन्, हे राजन, हे राजा, धन्यास्ति, धन्य हो। अन्येषां भागं गुरुदक्षिणा रूपेण दातुम इच्छति, अन्येषां भागं, दूसरों के हिस्से को गुरु दक्षिणा रूपेण दातुम इच्छति, गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हो, हे राजन, धन्य हो, दूसरों की के हिस्से को
गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हो? कोशः तु प्रजानाम अस्ति, खजाना तो प्रजा का है। तत्र भवतः अधिकारो नास्ति, तत्र वहां भवतः आपका अधिकारो नास्ति, अधिकार नहीं है। अन्ते अष्टावक्रः निरपाय जनकाय शरीरस्य अनित्यता विषये आत्मनः अमरत्व विषये च उपदेशं दत्तवान्। अन्ते अष्टावक्रः, अंत में अष्टावक्र, निरपाय जनकाय, राजा जनक के लिए शरीरस्य अनित्यता विषये, शरीर के नश्वरता मतलब नष्ट होने के विषय में, आत्मनः अमरत्व विषये च, और आत्मा के अमरत्व के विषय में, अमर होने के विषय में उपदेशम दत्तवान, उपदेश दिए। तो प्रिय छात्रों, इस पाठ को पढ़कर इसका हिंदी अनुवाद भी आप सभी पढ़ें और समझें कि ये कहानी किसके लिए है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है।